स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स सेट जे का ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो सेकंड सीटिंग का है और आज ही इसका एग्जाम हुआ है। चलिए अब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर एक लिखा है कि वाई अक्ष का समीकरण है। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर जीरो का होता है वाई अक्ष का समीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 के है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:9। दो का राइट आंसर होगा 1:9। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीन नंबर लिखा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा। तो 2r जो है उसका आयतन हो जाएगा 32π r³/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न दिया कि 6, 8, 9, 1 एवं 13 का मान दिया 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान हो जाएगा 14। x का मान इसमें निकलेगा कितना, 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं पाँच नंबर दिया कि इतना की मादिका होगी, यानी इस संख्या की मादिका बता देना है। तो संख्या की मादिका क्या होता है, तो इस संख्या का जब मादिका निकालेंगे आरोही क्रम में सजा करके तो मादिका इसका निकल करके आएगा 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न छ नंबर लिखा है कि बहुलक क्या होगा, यानी कि बहुलक पता नहीं इसमें अधिक बार कौन आया है। तो इसमें अधिक बार कौन आया हुआ है, देखिए अधिक बार इसमें आया हुआ है 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 का B। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न लिखा है कि आंकड़े इतना इतना का परिसर क्या होगा। तो सबसे बड़ा मान से सबसे छोटा वाला को इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे छोटा 6 है और सबसे बड़ा कितना है 32 है। 32 में 6 कटेगा तो बचेगा 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां लिखा है कि वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी ये वर्ग अंतराल है इसका वर्ग चिन्ह है। तो इसको जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, 130 और 150 जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 140। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखते हैं नौ नंबर प्रश्न देखा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान दिया 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दस नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिसर। अगला प्रश्न ग्यारह नंबर लिखा है कि एक चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है तो इसका व्यास क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में तो क्या करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन है तो 2πr बराबर 88 करके आएगा 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर निकलेगा। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बारह नंबर लिखा है कि cos 90 - θ बराबर क्या होगा। cos 90 - θ बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो cos 90 - θ बराबर sin θ। अगला प्रश्न देखते हैं तेरह नंबर लिखा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos²θ - sin²θ बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौदह नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, यानी √2 के बराबर किसका मान होता है। तो √2 के बराबर cos 45 का मान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 15 नंबर लिखा है कि यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y तो निम्नलिखित में कौन सही है। जब ये 32 और 58 दोनों जोड़ने पर 90 होगा तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि x बराबर y होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि थीटा बराबर 45 डिग्री तो 10²θ + 1/sin²θ बराबर। तो इसका मान निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा, इसका मान निकल जाएगा 3। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर लिखा है कि यदि sin 42 डिग्री बराबर p तो sin 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 - PS √1 - PS² इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
18। 18 नंबर लिखा है कि यदि टेन थीटा बराबर 12 बट्टा 5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर 12 बट्टा 5 है तो एच का मान निकाल जाएगा तो 13 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 बट्टा 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर दिया है कि यदि टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट्टा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न लिखे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका मान निकल करके आ जाएगा डी, यानी कि एक निकलेगा, राइट आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न 21 21 नंबर लिखा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 37 ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू का मान क्या होगा, यानी कि 4 से 37 में भाग दिया जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 नवा 36 होता है, यानी 9 क्यू का मान हो जाएगा 9, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 22 22 नंबर लिखे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर लिखे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि बताना है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये है ए ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौका 12 तो रूट में 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी वाला जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न 24 नंबर लिखा है कि 0.105 का पी बाई 2^(n)^(5)^(n) रूप निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इसको दशमलव पर हटा करके सॉल्व किया जाएगा तो 21/2^3×5^2 आएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 35 25 नंबर निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी किसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसमें क्या होगा, ये होगा 10^2 100^2 और 10 में 10 जोड़ जाएगा 20, बाकी इसमें से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है 26 26 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हर होता है हर का मान जो होता है उसका गुणनखंड किस में 2^(n)/5^n) के रूप में आना चाहिए, तो ए का जो गुणनखंड किया जाएगा तो 2^(n)/5^n) के रूप में आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 27 नंबर लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक बाई ए बी बराबर है, तो जब बाटा में रहता है और गुणा में रहता है, गुणा में लघुत्तम समापवर्तक और संख्याओं का योग गुणा में हो दोनों बाटा में दिया रहे तो उसका मान 1 निकलता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर लिखे निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है, तो सहभाज्य कौन सा है इसमें, तो बी वाला सहभाज्य है जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसको उसी को सहभाज्य बोला जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक का मतलब होता है कि कौन भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या इसमें क्या है, 21 है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न 30 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, यानी इसमें बताना है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसमें 31 है, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर लिखा है कि युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय इतना कि अनगिनत हल होते हैं, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, 1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर लिखा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है, और यदि D समांतर BC AD बराबर 4 DB बराबर x-4 AE बराबर 8 तथा EC बराबर 3x-19 तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकाला जाएगा तो x का मान इसमें हो जाएगा 11, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर लिखा है दो समरूप त्रिभुजों में ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी और 49 सेमी² है, यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेमी है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर लिखा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है,
इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो इसकी प्रत्येक भुजा जो होगी, इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी के बराबर हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 35। 35 नंबर लिखा है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी, यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी तो ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा 15 सेमी। राइट आंसर होगा 35 के ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं 37। 37 नंबर प्रश्न लिखा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा? अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा? तो पाई प्लस 2 इंटू 12 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38। 38 नंबर दिया है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या कम से कम क्रम से आर एवं आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 39। 39 नंबर है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? ये 8 सेमी जीवा से न्यूनतम दूरी है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 10 सेमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 40। 40 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो उसका क्या करिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2 हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 41। 41 नंबर दिया कि यदि बहुपद 6x^-6x³-11x²-3x+2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो इसका होता है कितना, बी बाई ए होता है, ठीक है। तो बी का मान है -11 और ए का मान है 6। -11/6 हो जाएगा राइट आंसर। यानी 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर लिखा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा -4। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा -4। अगला प्रश्न देखते हैं 43। यदि बहुपद x²+px-q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो q का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, -1 होगा। अगला प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, यानी जिसके शून्यक क्या होना चाहिए? -2 और 6 होना चाहिए। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मान निकाला जाएगा तो -2 और 6 निकलेगा। अगला प्रश्न 45। 45 में लिखा है रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y+2=0 और 3x-9y+5=0 के कितने हल होंगे? तो इसमें हलों की संख्या जो हो जाएगी, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें a1/a2=b1/b2 आएगा, not equal to c1/c2 आएगा, तो उस तरह का आता है तो कोई हल नहीं होता है। 46 में लिखा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होंगे? तो के अद्वितीय हल होने के लिए नॉट इक्वल टू होता है, तो के नॉट इक्वल टू 6 होगा, यानी कि 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 47 नंबर प्रश्न, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो, तो हलों की संख्या क्या होगी? यानी जब समांतर रेखाएं होता है, तो हलों की संख्या शून्य होता है, यानी कि कोई हल नहीं होता है। अगला प्रश्न 48। y-4=0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो ये x अक्ष के समानांतर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, x अक्ष के समांतर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 49। 49 में लिखा है कि यदि 2x+3y=11 और 2x-4y=-24, तो यानी कि इसमें हल कौन सा होगा? तो इसमें हल होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन से इस तरह वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। डी का इसमें एक्स का मान ये और वाई का मान 5 रखा जाएगा तो राइट आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 50 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी बताना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी वाला जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। 51 नंबर लिखा है कि 1 cos θ / 1 cos θ, ये रूट अंडर है बराबर, इसको इसके बराबर में क्या सिद्ध किया गया था। तो इसके बराबर में सिद्ध किया गया था कि cosec θ - cot θ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 52। 52 नंबर प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का मान क्या होगा, यानी कि 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10 में 30 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है कि sec 30° / cosec 60° इस तरह का जब भी प्रश्न है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, राइट आंसर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1 होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 54 नंबर लिखा है कि 2 sin² 63 + 1 + 2 sin² 27° / 3 cos² - 2 + 3 cos² 73°, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3/2 निकलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 55। 55 में लिखा है कि cos α + β = 0, तो sin α - β का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का cos 2β हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 56। 56 में लिखा है कि बिंदु -2 - 5 का भुज होगा, तो भुज का मतलब होता है एक्स, एक्स का मान इसमें -2 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 57। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा, 0 होगा, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 58। 58 नंबर लिखा है कि बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में है, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस वाला चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, राइट आंसर डी होगा। 59 दिया कि एक्स अक्ष से बिंदु 3.5 की दूरी होगी, यानी एक्स अक्ष से 3.5 की दूरी क्या होगी, तो 3.5 एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 होगा। अगला प्रश्न, 60 नंबर, मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या होगा, तो ये सूत्र होता है √x² + y², राइट आंसर बी। अगला 61, बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा, इसको जोड़ के दूसरे भाग दिया जाएगा तो 0, 0 निकलेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 62 नंबर लिखा है, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3.0 और उसके दो शीर्ष 2.3 एवं 1.-4, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना है कि ये 3 से 3 में गुणा कर देना है और इसको जोड़ करके इसमें से माइनस कर लेना है। तो 2 में 1 जुड़ाएगा तो 3 और 3 में 3 से गुणा होगा, 9 में से 3 घटेगा 6, यानी पहले 6 किस में, सी में, तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 63, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0, 0, 4.0 एवं 0.1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें 0, 0 है, तो सिंपल सा तरीका है कि 4 से 1 में गुणा करके उसको 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 4 एकम 4 और 1 से भाग दिया जाएगा तो 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 दूना 4 बचेगा, कटेगा 2 बार में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 64। 64 नंबर के बिंदु ओ -1.3 एवं -5.7 के बीच की दूरी होगी, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी निकालिएगा x2 - x1² + y2 - y1² करके, तो ये निकल जाएगा 4√2 इकाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 65। 65 नंबर प्रश्न लिखा है कि 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का नियामक
ये निर्देशांक होंगे, तो ये सूत्र है, तो सूत्र क्या होता है अंतः विभाजन का, ये वाला होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 66 नंबर लिखा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 का ए, 66 का ए राइट आंसर होगा, 40 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न 67। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3:4 उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जो आएगा वही राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न 68 नंबर लिखा है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मीटर निकलेगा क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो अगला प्रश्न 69। दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4:9। अगला प्रश्न 70। किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा, तो गोले का व्यास निकलेगा 14 सेमी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 71। यदि किसी परावर्तक सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 38 है तो बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 45 होगा। ठीक है, क्योंकि माध्यिका जो होता है उसमें तीन से गुणा करते हैं और इसमें माध्य में दो से, तो 33 3 99 और 27 2 54 99 से 54 घटेगा तो बचेगा 45। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72। असंभव घटना की परीक्षा होती है तो असंभव घटना की परीक्षा 0 होती है। अगला प्रश्न 73। यदि पी किसी घटना ई की परीक्षा हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 74। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 0.4 मतलब 0.4 ही रहो तो 1.0 में से घटाया जाएगा तो बच जाएगा कितना, 0.6, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 75। 75 नंबर लिखा है कि दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, यानी एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता बताना है इसमें, तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 दिया है, 1/4, 3/4 और 1 दिया है, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता पूछा है ना, तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/4, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 76। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कौन सी इसमें घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5। 77 में लिखा है कि अंतर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी अभिनिष्ट रेखाएं होती है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 होता है। अगला प्रश्न 78 में लिखा है कि यदि x²+1/x² = 14 तो x+1/x का मान क्या होगा, तो बी, यानी कि 4 निकलेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 79। 79 नंबर लिखा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 11 पदों का योगफल होगा 242, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 80। 80 नंबर दिया है कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर हो और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 81 नंबर की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 एवं एक लघुतम समापवर्तक 62 है, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें करना क्या है कि 54 से कटा दीजिए किसको, 27 2 54 दो बार में और 2 से कटा दीजिए 162 को, तो ये कट जाएगा 81 बार में, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82 नंबर लिखे संख्या है 15
बारह पंद्रह इक्कीस का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा तीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तिरासी नंबर क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है? तो विषम पूर्णांक जब पूछेगा तो सिक्स क्यू प्लस वन के रूप का होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तिरासी नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पचासी नंबर लिखा है कि 22/7 है, तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? दो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 87 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है सी वाला ऑप्शन, जो चर बाटा में रहता है वो बहुपद नहीं होता है। 88 लिया है कि यदि पी एक्स बराबर और क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा? तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 में से 3 घटा दीजिए, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 7 में से 3 घटेगा 4, तो 4 इसका घात हो जाएगा। अगला प्रश्न 89, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है? तो एक प्लस 2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 90, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 91 लिखा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx बराबर 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे? तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 92 नंबर लिखा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो x कमा वाई का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइनस 3, माइनस 3 इसका मान निकलेगा। अगला प्रश्न 93, द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे? तो इसका मूल निकलेगा कितना? माइनस 6.3, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 94 लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? यानी मूलों की प्रकृति बताना है, तो इसमें माइनस में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का मान माइनस में आएगा, तो अवास्तविक होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 95, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में नहीं है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला 96 दिया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 5-3n हो, तो इसका सर्वांतर क्या होगा? तो सबसे पहले n की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 = 6, 5 में से 6 घटेगा तो -1 बचेगा, और अब n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो -1 और माइनस करना कितना है? 3 × 3, 5 में से 3 घटेगा तो 2, तो -2 और -1 हो जाएगा -3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, 97 में लिखा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो ये 9वां पद शून्य होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 98, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? तो इसका चौथा पद हो जाएगा √112, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 99 में लिखा है कि यदि a/2/3, a/2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 से भाग देने के बाद निकलेगा कितना? 4/3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 100, ये लास्ट प्रश्न है, लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो, तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा? यानी योगफल का सूत्र बता देना है, तो योगफल का सूत्र होगा ऑप्शन सी, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो ये था आज का 50 सब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया था, और इसका आंसर की आप लोग देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं उनके पास भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी देख लें कि कितना आंसर आया है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।